छोड़ के क्यों चले गए? क्यों डैड? क्यों? अब रोना नहीं। तेरा डाडा जहां भी होगा तुझे रोता देखेगा तो सैड हो जाएगा ना। आई विश डैडा हमारे साथ होते, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। इतनी रात को कौन आ गया? मैं देखती हूँ मम्मा। विक्रांत, दिल्ली से यहां तक ट्रांसफर, वो भी बिना कोई लॉजिकल रीजन के। सर, अदिति का शिवाना सिद्धांत और शिवानी से कोई ना कोई ताल्लुक है सर। मुझे नहीं पता वो शिवाने में कैसे पहुंची। उसने कहा शिवानी ने उसे भेजा, लेकिन पता नहीं सर। लेकिन टाइम तो लगेगा, और अदिति को बताया भी नहीं जा सकता है कि हम उसे क्यों ट्रांसफर करके यहां बुला रहे हैं। आई फील अगर उसे बताया जाए सर तो वो मान भी जाएगी। इनफैक्ट वो खुद आना चाहेगी सर। पेशेंस विक्रांत। सर पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि वनराज को ढूंढने के लिए मुझे अदिति की मदद की जरूरत है। ये सब एक बहुत बड़ी पहेली लगने लगी है सर, जिसे सुलझाने के लिए अदिति का यहां पर होना बहुत जरूरी है सर। आई कैन फील इट। तो अब तुम भी इन चीजों में विश्वास करने लग गए? अदिति ने कहा कि शिवानी उसे सपने में दिखी और तुमने मान लिया? विश्वास तो अभी भी मैं उन्हीं चीजों में करता हूं सर जो मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं। लेकिन शिवानी के गुजरने के बाद इन चीजों को इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो गया है सर। चलो सर एक बार मान भी लेते हैं कि अदिति झूठ बोल रही है, लेकिन वो शिवाना कैसे पहुंची? वो शिवानी के बारे में कैसे जानती है? अगर इन चीजों के बारे में हमें पता लगाना है तो आई डिडंट टेल यू दिस बिफोर, बट अदिति हैज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल ट्रांसफर होने के लिए। बट टिल देन आई वॉन्ट यू टू फोकस। शिवानी की मौत का दुख हम सबको है, लेकिन गुस्सा होने से, दुखी होने से वो वापस तो नहीं आएगी। शिवानी के किलर को हम जरूर पकड़ेंगे, लेकिन साथ में हमें अपनी ड्यूटी भी तो करनी है। जी सर। विक्रांत, गोवा से एक अजीब केस आया जिसे वहां की टीम सॉल्व नहीं कर पा रही है। कल वहां के कमिश्नर से बात करने के बाद मुझे लगा कि इस केस के लिए तुम सही हो। मैंने उनसे कहा भी कि तुम इस केस पर आज से ही काम शुरू कर दोगे। तुम्हें गोवा जाना होगा और इस केस के सारे डिटेल्स तुम्हें वहीं मिलेंगे। जी सर। सर ऐसा ही सोल्व कर,
प्लीज सर, सर हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, हम कोशिश कर भी रहे हैं सर, पर डेविड यहाँ पर कैसे आया हम ये पता नहीं लगा पाए। डेविड की बेटी रेनेटा ही है सर, वही हमारे पास ये केस लेके आई थी। ठीक है, तो फिर पहले रेनेटा से बात करता हूँ, केस के बाकी डिटेल्स बाद में डिस्कस कर लेंगे। सर, डॉक्टर ने कहा था कि डेडा की डेथ आधी रात को हार्ट अटैक आने से हुई, वो तो अपनी नींद में ही चल बसे। उनका फ्यूनरल, बरियल सब किया था हमने, लेकिन लेकिन चार दिन बाद वो वापस आ गए, डेडा वापस आ गए। अपने घर आकर कितने दिन हुए? इस बात को एक हफ्ता हो गया, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे कि डेडा वापस कैसे आ सकते हैं। देखो रनिता, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम बहुत डरी हुई हो, लेकिन पहले भी ऐसे कुछ केसेस हुए हैं जिसमें पल्स ठीक तरह से डिटेक्ट ना होने के कारण पेशेंट को मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया, और कुछ केसेस में तो एक्चुअल बेरियल टाइम के वक्त पेशेंट को होश आया। जब बॉडी को दफनाया जा रहा था तुम लोगों ने उसे ठीक से देखा था? आई नो इट साउंड्स अ लिटिल फार फेच्ड, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहले ही बॉडी को? नहीं सर, मैंने बॉडी को देखा था, मेरे पास उनका डेथ सर्टिफिकेट भी है। बिलीव मी सर, ये मेरे डैडा नहीं है, मेरे डैडा तो मर चुके हैं। ये तो बहुत स्ट्रेंज बिहेव करते हैं, अंधेरे में बैठे रहते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, और मेरे डैडा को तो आग से डर लगता था सर, इन्हें तो मैंने आग से खेलते हुए देखा है। सर, दो दिन पहले हमारे घर में रोजी आंटी की डेथ हो गई, वो भी बहुत ही अजीब तरीके से। अजीब डेथ मतलब? पूरी बात बताओ। सर, डैडा को जिंदा देख के मम्मा बहुत शॉक हो गई थी, इसीलिए रोजी आंटी हमारे घर रहने आ गई थी। उन्हें आए बस दो दिन ही हुए थे, और कल उनकी बॉडी हमें बेडरूम में मिली, उस पर बहुत वूंड्स और बर्न्स थे, लेकिन उनके कमरे में या बेड पे कुछ भी जला हुआ नहीं था। रोजी आंटी के घाव बहुत पेनफुल लग रहे थे, लेकिन उनके रूम में कोई भी आवाज नहीं आई। मुझे डर है सर, कोई हमारी फैमिली को हर्ट करना चाहता है, प्लीज सर, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। देखो डरो मत, मैं आ गया हूँ ना, मैं आज से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा हूँ। अगर तुम बोल रहे हो वैसे तुम्हारी फैमिली को या तुम्हें कोई भी थ्रेट हुई तो हम इंटरवीन करेंगे। रोजलिन की ऑटोप्सी रिपोर्ट मैंने पढ़ ली है। रोजलिन और उसके पति के बीच रिश्ता कैसा था? उनकी आपस में बनती थी? सर, उसका हस्बैंड इवान शराब ज्यादा पीता था, फिर भी उन दोनों के बीच में बनती थी। इनफैक्ट उस रात को भी शराब पीकर अपने दोस्त के वहां पड़ा हुआ था। और डॉक्टर ने कंफर्म किया है ना कि डेविड की पल्स चेक करने में उससे कोई गलती नहीं हुई? हमने डॉक्टर से कंफर्म किया, उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं, डेविड रात में मर गया था, और जब उसकी फैमिली हॉस्पिटल बॉडी को लेने आई मैं वहीं पर था। सर, उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की। फिर कोई हमशक्ल भी तो हो सकता है। डेविड के वापस आने के बाद उसका पूरा मेडिकल चेकअप करवा लिया? डेविड की वाइफ जेनिस भी श्योर है कि उसी का हस्बैंड था, डॉक्टर ने भी चेकअप किया, डॉक्टर ने हमें उसके गले में मोल और पैर में लगी हुई चोट भी बताई जो उसके बचपन में लगी थी। सर, उसका बीपी हाई था, बाकी सब कुछ नॉर्मल था, और वो बातें भी जानता था जो सिर्फ पति और पत्नी के बीच में हुई। तो डेविड से ही पूछना पड़ेगा, चार दिन अपनी कब्र में लेटने के बाद ये अचानक जमीन चीर कर बाहर कैसे आ गया? मिस्टर मेनेजेस, क्या आपको याद है उस रात आप ग्रेवयार्ड से घर तक कैसे पहुंचे? प्लीज कॉल मी डेविड। और यस, मुझे याद है, मैं ऐसे चल के आया था, लेफ्ट फुट के आगे राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, और रास्ते में ना एक आदमी सो रहा था, उसने मेरे को देखकर चिल्लाने लगा, अरे डेविड का भूत है। इट वाज वेरी फनी। और बेस्ट तो जब ही मैं घर पहुंचा, मेरी बेबी जाने मुझे देख के बेहोश हो गई। इट वाज अ साइट, आई टेल यू, यू शुड हैव बीन देयर। मिस्टर मेनेजेस, आई एम सॉरी डेविड, आपकी पूरी फैमिली ने आपको दफन होते हुए देखा था,
और अचानक चौथे दिन आप कॉफिन तोड़कर बाहर आ गए। किसी ने मदद की आपकी इसमें? अरे मैं तो ग्रेवयार्ड में था ही नहीं सर। वो ऐसे हुआ ना कि थर्सडे के दिन जब मैं ऑफिस से घर आया ना, मेरे हार्ट में थोड़ा पेन होने लगा, तो मुझे लगा मैं डॉक्टर को जाके दिखा दूं। फिर मैं सोचा कि डॉक्टर तो मुझे हॉस्पिटल भेजेगा बहुत सारे टेस्ट करवाने के लिए। मैं वापस घर लौटा, घर आया तो जेनेट और रेनेटा मेरे को देख के चिल्लाने लगे, अरे तुम तो 4 दिन पहले मर गया था, वापस आ गया। नाउ यू टेल मी हाउ इज दैट पॉसिबल? इट्स हिलेरियस। और इसके लिए मैं ऑल द वे मुंबई से आया। फनी ना इजंट इट? बाद में मिलते। डेविड वापस आ गया है घर जिंदा। इट्स अ मिरेकल रेनिता। बट नो, तू सिर्फ मोर्जिम की नहीं मुंबई की पुलिस को भी लेकर आ गई। हो क्या गया तुझे? मम्मा आप जानना नहीं चाहती ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? रोजी आंटी को नहीं, कुछ नहीं जानना चाहती, कुछ नहीं। यू शुड बी हैप्पी रेनिता, तेरा डाडा घर आ गया है। मेरी स्वीट रोजी के जाने के बाद मैं पूरा फैमिली डिस्टर्ब है। रनिता क्यों कर रही है तू ये सब कुछ? रनिता तुम दुनिया की बेस्ट डॉटर हो, काहे को प्रॉब्लम के पीछे भागती रहती है रे? बेटा आग लगाओगी ना तो उसमें खुद जल जाओगे, समझे? एक्सक्यूज मी, इधर है। ये स्क्रैचेस पहले दिन से ऐसे ही हैं? हाँ सर, ये तो उसी दिन से थे सर। स्क्रैचेस तो अंदर से, इसका मतलब कॉफिन खोलने के लिए स्ट्रगल अंदर से हुआ है। पर डेविड कह रहा है कि वो कभी इस कॉफिन में था ही नहीं। डेविड क्या रे, बड़े आराम से तू मेरी रोजी को मार के साले चिल मार रहा है तू इधर? ए ऐसे क्या देख रहा है? अच्छी तरह से जानता हूं मैं तूने मारा मेरी रोजी को, जानता हूं मैं साले। इवन तूने बहुत पी रखी, तू मेरे साथ चल। तू रोजी की सिस्टर है ना, वो साला तेरे को सबसे ज्यादा लव करती थी, मेरे से भी ज्यादा वो तेरे को लव करती थी। तूने काहे को नहीं बचाया मेरी रोजी को? चुप रनिता, तू बोल, तेरे डैडा ने रोजी को थ्रेटन किया था कि नहीं किया था? मैं सब जानता हूं, मेरे को रोजी ने फोन किया था, वो मेरे को बोली जब से डेविड घर वापस आया
वो अजीब अजीब सा बिहेव कर रहा है, और जब रोजी ने उसको क्वेश्चन किया तो इसने उसको थ्रेटन किया। ए, बकवास मत कर क्या। तुम्हारी वाइफ का जब से डेथ हुआ है ना, कुछ भी बोलता जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं सुनते जाऊं। चलो भैया निकल यहां से, और जब नशा उतर जाएगा ना आके आना, ठीक से बात करेंगे। चलना अभी यहां से। रेनिता, सब ठीक है? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर। तुम अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ, बैठो बैठो। क्या हुआ सर? मुझे बहुत डर लग रहा है। आई थिंक इवान अंकल की जान को खतरा है सर। इवान, रोजलिन का पति इवान? हाँ सर। वो आदमी उसे मार देगा सर। कौन आदमी? सर मैं नहीं जानती वो कौन है, वो क्या है, लेकिन सर वो आदमी मेरा डैडा नहीं है। आज उसकी और इवान अंकल की फाइट। इवान अंकल ने उसके सर पे मॉडल मारा, लेकिन उसे इतनी सी भी चोट नहीं आई। वो ग्लास का बॉटल सर पे पड़ने के बाद भी उसे जरा सा भी खून नहीं निकला सर। ये जो भी मेरा डैडा बन के रह रहे, इसलिए रोजी आंटी को भी थ्रेटन किया था, और उसी रात उनकी डेथ हो गई थी सर। वेरी स्कैर्ड। आज इवान अंकल के साथ फाइट के बाद वो इवान अंकल को कुछ ना कर दे सर। मैं उन्हें कब से फोन लगा रही हूँ सर, उनका फोन ही नहीं लग रहा है सर। प्लीज सर कुछ कीजिए सर। डेविड इस वक्त घर पर है? नहीं सर। सर प्लीज सर इवान अंकल को बचा लीजिए। तुम रिलैक्स करो, मैं देखता हूँ। तो थोड़ा पानी पी लो। इवान अपने घर से लापता है, इमीडिएटली एक सर्च टीम असेंबल कर ले और उसका मोबाइल भी ट्रैक कर। अरे बोलो डेविड, यहाँ क्यों बुलाया? और ऐसा क्या है जो तू अपनी फैमिली के सामने नहीं बोल सका, जो तू यहाँ बोलेगा मुझे? अरे डेविड कन्फेस कर कि रोजी का मर्डर सारा तूने किया है। यू नो समथिंग, जिंदगी भर कोई भी काम करने से पहले ना मैं दो बार सोचता था,
दारू पिएगा तो मर जाएगा, सिगरेट पिएगा तो भी मर जाएगा। सारा फायर से खेला तो जल गया, और पानी में खेला तो डूब गया। अक्का जिंदगी फेयर के साए मेरा, लेकिन फिर मैंने डेथ को करीब से देखा, एक्सेप्ट किया, फाइट भी किया और जीत कर जिंदा घर वापस आ गया। और नाउ मैं किसी से नहीं डरता, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीबॉडी। डेविड, सलग डेथ को कोई चीट नहीं कर सकता। मैंने किया है, और मैं चाहता हूं कि तुम भी एक बार डेथ को करीब से देखो। आई थिंक यू लव इट। मोबाइल ट्रैक किया इसका? हाँ सर, इसके फोन में लास्ट कॉल डेविड का आया, दोनों के बीच में एक घंटा पहले बातचीत हुई थी। चलो बॉडी निकाल लो। ओके, ऑटोप्सी के लिए भेज दो। ओके सर। सर, ये मिसेस मैनेजर्स चाय बड़ी अच्छी बनाती, पहुंच लो। कल सुबह की चाय डेविड के ही घर पे पियेंगे। इवान कल तुमसे मिलने यहाँ पे घर पे आया था, और तुम दोनों का झगड़ा हुआ रोजलिन की डेथ को लेकर, और तुमने इवान को जान से मारने की धमकी दी। भी आपके साथ खेल खेल रहा था। डेविड, एक से बात कर। ए डेविड, दोबारा ऐसा मजाक किया ना तो जिस कब्र से निकले उसे मैं दफना दूंगा। चल बोल। मैं क्या बोलूं रोजलिन के डेथ के बारे में? तुम लोग पुलिस वाले होकर कुछ बता नहीं सकते, तो फिर मैं क्या बता पाऊंगा? एक तो इवान दिन भर नशे में दूत रहता है, कल भी पीकर मेरे घर में आया था, बहुत रबिश बोल रहा था, मैं तो सीधा उसको बाहर फेंक दिया। मैं जानता हूं कि इवान तुझसे ही मिलने के लिए ग्रेवयार्ड में आया था, वहां हमें ये भी मिला, इस पे तेरे फिंगरप्रिंट्स तो मिल ही जाएंगे। टेस्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मानता हूं कि मेरा लेटर है। हाँ, कल रात में ग्रेवयार्ड गया था, इवान को भी बुलाया था, और वो टाइम पे नहीं है, मैं इसका वेट करके वापस चला गया। या फिर तू घर वापस आया ही नहीं, वहीं पे वेट करता रहा, इवान आके तुझसे मिला, तुम में फिर से झगड़ा हुआ और तूने इवान को मार दिया। ये आप कैसे बोल सकते हैं सर? मेरा लाइटर वहां मिला, इसका प्रूफ है कि मैं वहां था, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने ही खून किया। उसका प्रूफ भी मिल ही जाएगा। सुलकर सर, अपने एक ऑफिसर को डेविड पे नजर रखने को बोल, ये कहा जाता है क्या करता है सबकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलनी चाहिए। ओके सर। इन इमेजेस को तो इंटरनेट पे डेविल्स फायर, शैतान के निशान और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। सर इंटरनेट पे तो कुछ भी दिखाते हैं। सर सर आपने कहा था ना हमें एक डेविड जैसे केस को सर्च करने के लिए, हमने एक केस को सर्च किया है, बड़ा अजीब और गरीब केस है सर, मॉरिजम का है,
80 साल पुराना, ये देखिए आप। मर्लिन मेनेजिस नाम की एक औरत कॉलेरा से मर गई थी, उसका फ्यूनरल बैरियल सब कुछ हो गया था और फिर अचानक 4 दिन बाद वो घर लौटी। मर्लिन मेनेजिस, डेविड मेनेजिस, ये रिलेटेड भी तो हो सकते हैं। हो सकता है सर, गोवा में वैसे मैनेजर्स कॉमन नेम है, जैसे सर गुप्ता, यादव, इस तरह के होते हैं ना सर। मर्लिन के वापस आने के बाद कुछ ही दिनों में उसकी माँ, उसका एक बेटा और पति मिस्टीरियसली मर गए। मर्लिन को कस्टडी में भी लिया था लेकिन उसके बाद की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें। यहाँ की फैमिली रजिस्ट्री निकालो, उसमें मर्लिन मैनेजर्स की फैमिली के बारे में कोई ना कोई डिटेल्स मिल ही जाएंगे। जो इन्फॉर्मेशन इस बुक में नहीं वो शायद वहां से मिले। फादर, रोजी आंटी के हाथ पर भी ऐसे ही घाव थे और ये रोज साइज में बढ़ते ही जा रहे हैं। ओ नो रेनिता, अच्छा हुआ तुमने मुझे ये घाव दिखाया। तुम सही कह रही थी, ये कोई नॉर्मल घाव नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या है वो कंफर्म करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम दो। तब तक माय चाइल्ड, तुम हिम्मत से काम लो, गॉड तुम्हारे साथ है। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। थैंक यू। डोंट वरी। मर्लिन मैनेजर्स तो डेविड के एंसेस्टर निकली, इसका सबसे बड़ा बेटा अल्फ्रेड डेविड का परदादा था, और मर्लिन और डेविड के बीच में 4 generations की गैप है। इस डेविड की फैमिली हिस्ट्री में बहुत से सवालों के जवाब छुपे हैं। एक काम करो, इन बीच के 4 generation में से कोई बुजुर्ग अभी भी जिंदा है या नहीं ये चेक कर लो जरा। ओके सर। सर, सुजन डिसलवा मर्लिन की पोती अभी जिंदा है, हमने उसका एड्रेस निकाल लिया है। मिसेस डिसलवा, मैं मर्लिन मैनेजर्स के बारे में आपसे थोड़ी जानकारी चाहता हूं, आपको कुछ भी याद है उनके बारे में? इस बात को 75 years से भी ज्यादा समय हो गया है, लेकिन मेरे डैडा नाना मर्लिन की स्टोरी सुनाया करते थे। मेरे डैडा कहते थे कि नाना मर्लिन मौत को भी धोखा दे सकती थी। हाँ, मैंने पढ़ा है इस बारे में। अपेरेंटली फ्यूनरल के ठीक 4 दिन बाद वो घर वापस लौट आई। हाँ, पहले तो मेरे डैडा और सब लोग बहुत डर गए थे, फिर सब लोग बहुत खुश हो गए, उनकी मर्लिन वापस आ गई थी, सबने सोचा मिरेकल हो गया। लेकिन नाना मर्लिन को जिसने भी क्वेश्चन किया या चैलेंज किया सब मर गए। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ? उसके बाद उस 1950 में नाना मर्लिन को डिपोर्ट करने का ऑर्डर आया, तब पोर्चुगल की पुलिस आई और नाना मर्लिन को अरेस्ट करके लेके गई, फिर उनको एक शिप में डाला और कहीं दूर भेज दिया। आपके पास कोई फोटो है उनकी, नाना मर्लिन की? हाँ, 1 minute।
की स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। मेरे डैडा ने मुझे बताया कि जिस शिप पे नाना मर्लिन थी वो शिप पानी में डूब गई। वो शिप पे सब लोग मर गए, लेकिन मिराक्युलसली नाना मर्लिन वापस घर लौट आई। और आप इस बात को सच मानती? फर्स्ट मैं भी सोचती थी कि ये सब स्टोरीज है, लेकिन मैंने सुना है कि डेविड को डेविल ने टच किया है, और डेविड भी लैजरस और नाना मर्लिन की तरह डेथ को चीट करके लौट आया है। गॉड नोज क्या सच है और क्या स्टोरी। एक्सक्यूज मी, बोल सुधाकर। भाग गया? अरे क्या सोलकर, तुम लोग एक आदमी पे नजर नहीं रख सकते? अच्छा तुम इमीडिएटली डेविड के घर पे जाओ, देखो कि रनिता और इसकी माँ ठीक है या नहीं। तब तक मैं गृह बैठ जाता हूँ। फेंक और हाथ ऊपर कर डेविड। I swear I'll shoot। बहुत हो गया तेरा नाटक। हो गया डेविड, आई एम सीरियस डेविड, आज तू जान से जाएगा। तेरी
डेविल से भी बढ़कर बाप और माँ होते डेविल। अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते, बच्चे तेरी मारे गए से। हाँ डेविल, बच्ची है तेरी डेविड। मारे गए इसे, होश में आ डेविड। सॉरी मिसेस मैनेजर्स, हमने बहुत कोशिश की लेकिन डेविड को अब तक ढूंढ नहीं पाया। आपकी गाड़ी कितने बजे की? 11 बजे की। रेनिता, मैं समझ सकता हूँ कि अपना घर, अपना परिवार, अपने दोस्तों को छोड़कर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब तक डेविड पकड़ा नहीं जाता आप लोगों का यहाँ पे रहना सेफ नहीं है। और याद रहे कि आपका नया एड्रेस किसी को ना दे, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो सोलकर या मुझे कॉल कर दीजिए। ओके। तुम्हारे हाथ का निशान चला गया? जी सर, पता नहीं कैसे अपने आप ही चला गया। वो तो काफी गहरा निशान था। ऑफिसर, गॉड ने कभी लेजरिस को मरने के बाद भी जिंदा किया था। अब ये डेविड वापस आ गया है, लेकिन उसे जिंदा करने वाला गॉड नहीं, शैतान है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, जो भी उसका विक्टिम होता है उसके हाथ पे डेविल फायर का निशान होता है। अब रेनिता और मेरे हाथ पे निशान तो नहीं है, इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि अब डेविड से हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम इस बात पे श्योर नहीं हो सकते। फादर गॉड या डेविल का तो पता नहीं, लेकिन अगर इन्हें और कोई खतरा हुआ तो हम जरूर इंटरवीन करें। चलो हम निकलते हैं। टेक केयर। थैंक यू फादर। चलो सोलकर। सर, की लीजिए आपकी की। आइए आप लोग। ये तुम्हारी ऑफिशियल रिपोर्ट है? सर, जो मैंने देखा वो रिपोर्ट में लिखा है सर। तो ये फैमिली कर्स 4 generations के बाद वापस डेविड के साथ लौट आया। यू बिलीव दैट? सर, अगर डेविड पकड़ा जाता तो मैं और इन्वेस्टिगेट कर पाता, लेकिन मैंने उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज पे 2 गोलियां मारी और वो नहीं मरा। मैं बिलीव नहीं करना चाहता सर, लेकिन इस चीज का कोई भी जवाब, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास। ऐसा पहली बार हुआ है सर। जवाब है विक्रांत, पर सही है या गलत हमें नहीं पता। शायद कोई है जिसे पता हो।
मेरे बचपन की फोटो शिवाना में कैसे मिली और बाकी के सारे बच्चे इस तस्वीर में? अगर ये मेरे भाई बहन है, एल्बम में इनकी एक भी फोटो क्यों नहीं है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।